गंगा विरोधी द्वारा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कुछ सियासी काम थे जो दंगा कराना चाहते थे, लेकिन आज उन दंगाइयों का इलाज हो गया है। सारे कतार जेल में है और इसकी वजह से शांति बहाल है। कश्मीरी लोगों की कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से आपको दिखाई देखिए, कश्मीरी लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। कश्मीर के लोग शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन बता रहा हूँ ना, कुछ जो शांति को पसंद नहीं करते हैं, अमन चैन को पसंद नहीं करते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं, तो उनकी वजह से देश अंदर है। आपको पता है, हमें अब्दुल कलाम जैसे लोग चाहिए, याकूब जैसे जैसे नहीं, कसाब जैसे लोग नहीं चाहिए, तो कसाब जैसे लोगों का इलाज हो गया है, इसलिए शांति बहाली है और आराम से तिरंगा फहरा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आज कश्मीर में माहौल है, क्या मैसेज देना चाहूँगा? देखिए, मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी पाकिस्तान में है, लेकिन हमारा कश्मीर है शांति बहाली पे है, और प्रशासन और जो सरकार है, और हमारी सेना है, वो मजबूत है, वो दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, और अब भी कोई सनातन के विरुद्ध काम, सॉरी तिरंगा के विरोध में काम करेगा, उसका भी इलाज किया जाएगा। तिरंगा फैलाना नहीं किया गया था, लेकिन आज मैंने देखा कि सारे कश्मीरी जो प्रजा है, जो कश्मीरी पब्लिक है, सब घर से निकल के आके अपना तिरंगा को फैला रहे हैं, भारत माता की जयगान कर रहे हैं। और ये मुझे देख के, मैं असम का एक जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हम लोग बोलते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, तो आज हम लोग को सुकून मिल रहा है कि मैं अपना जमीन पर जमीन में खड़ा हूँ, मैं अपना हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि कश्मीरी वो लोग ऐसे घर से निकल के आके जुड़ने के लिए, तो जैसे कि आप सब लोगों ने जान ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है तिरंगा रैली का डंप हुए, कुछ लोगों ने कश्मीरी लोगों ने हिस्सा लिया, और कश्मीरियों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जो कि दुश्मन बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीरियों में जुल्म हो रहा है, और आज वही कश्मीरी जो है तिरंगा रैली में शिरकत कर रहा है। आप देख सकते हो, ये लाल चौक का एरिया है जहाँ पे जो है तिरंगा लहराने नहीं दिया जाता था, लेकिन आप आज क्लियरली देख सकते हो, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, या फिर आपको सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखाई देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली गई, और हर एक कश्मीरी की शिरकत आपको लाजमी दिखाई देखने को मिली है। यहाँ पे कश्मीरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देखने को मिली, जो कि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां भी आप कवरेज दे रहे थे, आप लाइव कवरेज दे रहे थे, कई तिरंगा रैली निकली, कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ओवरऑल दिखाई देखने को मिला? कॉन्ट्रीब्यूशन आज मुझे लगता है कि आवश्यक था, और पिछले दो सालों की बात है, पहले साल की बात है 2020 की, उस टाइम 40% का, 21 का, 60 ऐसे 70, आज 80% लगा, अगले इंडिपेंडेंस डे पे लग रहा है कि 100%। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आपको भी पता है हमारे भारत के नाम पे प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दुश्मन का, दुश्मन देना चाहोगे सबको सब कुछ दिख रहा है? अभी प्रोपेगेंडा जो भी था वो सब बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग समझ चुके हैं कौन हमारा सगा है, उनको पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बातचीत की, कश्मीरियों से भी बातचीत की, और जिस तरीके से दे वर चेंजिंग द नेम्स ऑफ इंडिया, इट इज द सिंपल दैट कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगले प्रोग्राम में जितने भी 15 अगस्त से रिलेटेड वीडियोज होगी, मैं आप तक अपडेट्स पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे बातचीत, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। आगे गए हुए
है।